मैंने तुम्हारे साथ हल्दी की रस्म पूरी कर ली है। एंगेजमेंट के बाद अक्सर हल्दी होती है और हल्दी के बाद होती है शादी। मैं तुम्हारे साथ सारी सारी की सारी रस्में पूरी करूंगा। बचपना मत करो रणवीर। बचपना नहीं कर रहा। अगर ये बचपना होता ना प्राची तो मैं तुम्हारी बात मानता, लेकिन ये बचपना नहीं है। मैं समझता हूँ जब कोई इंसान दिल से बात नहीं कर रहा है। मैं समझता हूँ जब इंसान कोई दिल पे पत्थर रखे कुछ बोल रहा है, और तुम झूठ बोल रही हो, मुझे पता है। आई नो तुमने गुस्से में आके, जैसे मैं गुस्से में आया था और मैंने तुम्हें कहा था कि रिया अगर मुझे चाहती है तो मैं रिया के पास चला जाता हूँ, वैसे तुमने मुझे गुस्से में बोला था कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, और मुझे पता है तुम मुझसे प्यार करती हो। काजी तुम्हें कोई पैसे वाला नहीं चाहिए, मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एक दिल वाला चाहिए जो तुम्हारा ख्याल रखे, जो तुम्हारी कदर करे, जो अपने दिल से तुम्हें माने। और प्राची वो इंसान मैं हूं जो तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करता, और तुम भी अच्छे से जानती। तुम डरो मत, मैं तुम्हारे पीछे कोई मजनू की तरह भागने वाला नहीं हूं, लेकिन जितना प्यार मैं भी तुमसे करता हूं ना, उससे इतना ज्यादा प्यार मैं तुमसे करूंगा कि तुम खुद मजबूर होगी मेरे पास आके ये कहने के लिए कि रणवीर मैं झूठ बोल रही थी। तुम आके मेरे को बोलोगी कि रणवीर मुझे सिर्फ तुम्हारे साथ रहना है, क्योंकि तुम भी अच्छे से जानती हो कि मैं तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करता हूं। ये हल्दी मैं तुम्हारे चेहरे पे भी लगा सकता था, तुम्हारे गाल पे भी लगा सकता था, पर मैंने नहीं लगाई, क्योंकि मैं उन लड़कों में से हुई नहीं जो छूने के बहाने सोचते हैं। मेरा प्यार अलग है। मैं तुम्हें जब छूंगा ना तो मैं तुम्हारी रूह को छूंगा प्राची। मेरा प्यार ऐसा है कि इसके बारे में बात होती है ना तो चेहरे पे मुस्कुराहट आती है और आंखों में प्यार दिखता है। मेरे प्यार में जब किसी का जिक्र होता है ना तो बहुत अच्छा लगता है, किसी की परवाह होती है तो बहुत अच्छा लगता है। मेरे प्यार में ऐसा लगता है कि तुम्हें जिंदगी में सब मिल गया है, ऐसा है मेरा प्यार। आर्यन बोल। तोड़ने के लिए जो जरूरी था वो मैंने किया, जोड़ने के लिए जो करना है वो तुमने नहीं किया। पापा की हल्दी क्यों नहीं रोकी? तुम गलत कह रही हो प्राची। मैंने तुमसे क्या कहा था? शादी रोको। हल्दी के बारे में कोई बात नहीं हुई थी हमारी। जिस तरह हल्दी नहीं रोक पाई, शादी भी नहीं रोक पाई तो? शादी रुक जाएगी, लेकिन मुझे तुम्हारे इंटेंशंस पे डाउट हो रहा है। क्या बातें कर रहे थे? हाँ प्राची, मुझे कल तक रिजल्ट चाहिए, समझ गई तुम? मैंने जो प्रॉमिस किया था ना तुमसे, वो मैं कल तक जरूर करूंगी। डैड की शादी नहीं होगी, ओके? मतलब माँ को इतना और बर्दाश्त करना पड़ेगा? ये हम शादी के बारे में बात कर रहे हैं प्राची, इतना आसान है एक शादी तोड़ना? दिल तोड़ना भी आसान नहीं होता रिया, लेकिन अपने प्यार का दिल तोड़ रही हूँ मैं। तुम प्लीज कल तक अपना प्रॉमिस पूरा कर लो। पहले तुम अपना प्रॉमिस पूरा करो, ओके? मेरी तरफ से पूरा हो चुका है, उसे समझने में देर लग रही है। प्राची, प्राची! रणवीर, वो अगर तुम्हें नहीं चाहती है तो फिर तुम उसके पीछे पागल क्यों हो रहे हो? हाँ छोड़ो मेरा। और अगली बात, अगर तुम मेरे और प्राची के बीच में ऐसे आई, मुझे कभी मत रोकना, समझी? How dare you? क्या करना चाहते हो? तुम्हें नहीं पता मैं क्या चाहता हूं। आप प्लीज बस मत आइए, आपकी हल्दी दोबारा मुझे लग जाएगी। मेरी हल्दी पसंद नहीं तुम्हें? हल्दी तो चोट के लिए अच्छी होती है। रियली डोंट नो मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे नहीं पता हो क्या रहा है मेरे साथ। सीरियसली पता है, जो चीजें तुम्हें पसंद नहीं आती ना, मुझे बार बार वही करने का मन करता है। आई रियली डू।